अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी की रिलीज को हुए 50 साल। बेटे अभिषेक ने किया ये पोस्ट। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट ऑल लेटेस्ट अपडेट्स। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन का भारतीय सिनेमा में अतुलनीय योगदान है। सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया में अमिताभ बच्चन का काफी नाम है। अमिताभ को फिल्मी दुनिया में आज 50 साल पूरे हो गए। आज से 50 साल पहले अमिताभ की डेब्यू फिल्म सात हिंदुस्तानी की रिलीज हुई थी। इस फिल्म और अमिताभ बच्चन के करियर के 50 साल पूरे होने पर बेटे अभिषेक बच्चन ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में अभिषेक लिखते हैं, सिर्फ एक बेटे के रूप में नहीं बल्कि एक अभिनेता और प्रशंसक के रूप में हम सभी महानता के गवाह हैं। प्रशंसा करने के लिए बहुत कुछ है, सीखना और सराहना करने के लिए भी काफी कुछ है। सिनेमा प्रेमियों की कई पीढ़ियों का कहना है कि हम बच्चन के जमाने के हैं। फिल्म इंडस्ट्री में 50 इयर्स पूरे करने पर पा को बधाई। अब हमें अगले 50 का इंतजार है। तुम्हें प्यार। सात हिंदुस्तानी 1969 में ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा लिखित, निर्मित और निर्देशित हिंदी भाषा की फिल्म थी। गोवा को पोर्टुगीज शासन से मुक्त कराने की सात हिंदुस्तानियों की इस कहानी में उत्पल दत्त, मधु, ए के हंगल और अमिताभ बच्चन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अमिताभ की ये पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक भारतीय युद्ध बंदी व इस्लामी कवि का पात्र निभाया। अमिताभ को पहले फिल्म सात हिंदुस्तानी मिलने के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। सात हिंदुस्तानी की कहानी गोवा मुक्ति आंदोलन पर आधारित थी। इसके लिए निर्देशक अब्बास को सात एक्ट्रेस की जरूरत थी। फिल्मी दुनिया में हमेशा से ही छा जाने के सपने देखने वाले अमिताभ को जब पता चला कि इस फिल्म में काम करने का मौका मिल सकता है तो उन्होंने कोलकाता में अपनी 1600 रुपए की नौकरी छोड़ दी और मुंबई आ गए। अमिताभ को दो रोल की चॉइस दी गई, एक पंजाबी और एक मुस्लिम। अमिताभ ने मुस्लिम वाला रोल चुना क्योंकि उन्हें लगा कि इस किरदार में ज्यादा पढ़ते हैं और एक्टिंग में एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। अब्बास ने बाद में उनसे पूछा भी था कि उन्होंने फिल्म मिलने से पहले ही क्यों नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इस पर अमिताभ ने कहा कि कुछ जोखिम उठाने पड़ते हैं। अब्बास को ये बात दिल तक छू गई। इस फिल्म के लिए अब्बास ने अमिताभ को 5000 रुपए दिए जो उनकी सैलरी से बहुत ज्यादा थे। अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन बहुत ही बड़े कवि थे। फिल्म के निर्देशक ख्वाजा अहमद को जब ये बात पता चली कि अमिताभ हरिवंश राय के बेटे हैं, तो उन्होंने अमिताभ को साइन करने से पहले उनके पिता से अनुमति लेने का फैसला किया और खुद एक पत्र लिखा। जब हरिवंश राय बच्चन ने हामी भरी तो अमिताभ बच्चन ने सात हिंदुस्तानी फिल्म साइन की। 7 नवंबर 1969 को रिलीज हुई इस फिल्म को आज 50 साल हो गए। अमिताभ बच्चन को हमारी तरफ से भी सिनेमा में 50 साल पूरा करने पर ढेर सारी बधाइयां। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।